हार्ड है जब हम आपको बोलते हैं ना कवर चार्जेस है 5,000, 3,000 एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट होता है जो हम कवर चार्जेस आप क्लब में आप पे करते हो उसका एक कार्ड मिलता है और जितना भी अमाउंट आप गेट पे पे करते हो। वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर व्लॉग। तो सीन ऐसे हैं, समझ में आ जाने जैसे हैं, हम एक सीक्रेट प्लेस में हैं। सीक्रेट प्लेस एज इन जो कि आपको नहीं पता चलेगा, ये सीपी के नियर बाई हैं, छोटी 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 गलियां हैं, यहाँ पे रेसिडेंट भी हैं सीपी के आसपास, शायद आपको नहीं पता हो। और बेसिकली यहाँ पे लॉयर एक लॉयर्स और सीएस वगैरह की कॉलोनी है। तो अब हम जा रहे हैं एम हाउस की साइड। कहाँ जा रहे हैं? एम हाउस की साइड। ये वो गलियाँ हैं छोटी छोटी, देखो छोटी छोटी गलियाँ, ये देखो जैसे सैनिक फॉर्म्स की होती है ना वैसी गलियाँ हैं, ये दिख रहा होगा आपको, है ना। मैं आपको पीछे देख के दिखा रहा हूँ, फ्रंट पे देखो आप। तो आज है सैटरडे नाइट और आपने जो व्लॉग देखा होगा ये हमारा विजू भाई के साथ व्लॉग था। ये बेसिकली हमारे दिल्ली के अंदर सबसे बड़े सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, मतलब मोस्टली बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उनका नाम है दिल्ली के अंदर। तो वो हमने आपको अपडेट किया और क्या क्या सैलरीज वगैरह होती है और क्या क्या वो था आप देख सकते हो पुराने वाले ब्लॉग में जाके, जिनको बाउंसर की जॉब चाहिए होती है, बेसिकली उनके लिए था ब्लॉग, है ना। और धीरे धीरे ब्लॉग हम बनाएंगे, जैसे डीजे के लिए जो डीजे एज ए डीजे करियर अपना बनाना चाहता है, नाइट लाइफ में बारटेंडर मैनेजर, तो देखो बारटेंडर ही बनते आने वाले टाइम में, है ना, जिसको नॉलेज होती है। आजकल तो भाई कुछ भी चल रहा है नाइट लाइफ में, मैनेजर भी बारटेंडर कुछ भी चल रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई नाइट लाइफ में हो क्या गया। पहले एक क्राइटेरिया होता था नाइट लाइफ में भाई, सब एक डेजिनेटेड जॉब होती थी भाई, ये काम यही करेगा, ये काम यही करेगा, सारा बंदा हर काम कर रहा है भाई, हर काम बंद कर रहा है। तो कैसा रहा आपका न्यू ईयर गाइस? गाइस गाइस अब कर रहे हैं रोड क्रॉस, यार ये देखो, ओहो बस आ गए भाई, पीछे कर लेता हूँ भाई, उड़ा देगा बंदा, पता नहीं चलेगा, मेरे को सामने जाना है और थोड़ा सा सामने भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, दोनों लाइन में खड़ी हो गई यार, भाई क्या इडियट लोग यार, अपनी दिल्ली के अंदर समझ नहीं आती, दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई देखो दोनों लाइन में, मतलब एक रास्ता तो छोड़ दो जाने के लिए, तभी तो अंदर घुसेगी मेरी गाड़ी। चलो तो बेचारा अपनी लाइन में था चला आया, अब मेरे को अपनी गाड़ी अंदर उस लाइन में लेके जानी पड़ेगी। भाई कैसे लोग हैं यार यहाँ पे, भाई आज तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं। जब मैं घर से निकला था तब तो भाई ये अपनी एक लाइफ है, मतलब नाइट लाइफ की एक लाइफ है, ये बड़ी ट्रेडी सी लाइफ है भाई, कभी कभी बहुत नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में और पॉजिटिव रहना उतना ही सर दर्द हो जाता है। न्यू ईयर पे धरना दे दिया था किसी ने, मुझे ये नहीं पता चला किसने, भैया बता रहे थे, उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए थे बाहर से घूमने के लिए, तो वो कह रहे हम घूमने आए हुए हैं और यहाँ पर इंडिया गेट बंद कर दिया है, घूमने नहीं दे रहे, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अब उनको यार बहुत न्यू ईयर, मतलब न्यू ईयर उनको भी लगा न्यू ईयर पे ऐसा होता तो नहीं है, बट हो गया भाई, क्योंकि दिल्ली है कुछ भी हो जाता है यार, पलक झपकते कुछ ना कुछ हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी तेज़ आ रही हैं और रेड लाइट होते ही पीछे भाई बच गई भाई। अभी एक वो जो तो गाड़ी दिख रही है, आपको नहीं दिख रही होगी, आपको इस साइड का दिख रहा होगा ना व्यू, उधर एक ऊबर वाला है रिट्स करके, उसने नेक्सा में मार दी थी। कौन सी है ये? टाटा की गाड़ी है ना यार, कौन सी गाड़ी है ये? नेक्सॉन है मेरे ख्याल से कोई, उसमें मार दी थी भाई, बच गई भाई ये। और उधर वो जो गाड़ी है ना हीरोज होटल में, वो हीरोज होटल में पता है क्या हुआ वेडनेसडे को, एक गाड़ी क्या नाम है ऊबर वाले ने नई मर्सिडीज भाई सिर्फ 15 दिन पुरानी मर्सिडीज ठोक दी भाई, और वो होटल के अंदर आ रही थी, और भाई यहाँ से ओला वाला या ऊबर वाला जो होते हैं भाई इतनी तेज लेके जा रहा था क्रॉस करता हुआ होटल के अंदर ही, देखे हमारी गाड़ी एक साथ से खट पिचक गई भाई, हो गया उसका बुरा हाल। भाई क्या मस्त हीटर चल रहा है यार गाड़ी के अंदर, मैं बैंड ही निकल रहे होते हैं, पता नहीं क्या टाइमिंग है मेरी आने की भी, जब भी मैं आता हूँ ये बैंड ही निकल रहे होते हैं ऑफिस में, पता नहीं कोई होगा नहीं होगा, ऑफिस खाली पड़ा है, अंदर होंगे लोग अभी, टाइम ही क्या, अभी तो ब्रीफिंग भी नहीं हुई होगी, हो गई होगी क्या ब्रीफिंग? राइट, इट जस्ट स्टार्टेड,
अंदर दिखा के ला दो हमको, अंदर अंदर कैसा है? बोल बोल क्या बोल। तो ये वो कार्ड है जब हम आपको बोलते हैं ना कवर चार्जेस है 5,000, 3,000 एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट होता है जो हम कवर चार्जेस आप क्लब में आप पे करते हो उसका एक कार्ड मिलता है और जितना भी अमाउंट आप गेट पे पे करते हो वो इसके अंदर फिल कर दिया जाता है और फिर जब आप बार पे ऑर्डर करते हो ना तो वो अमाउंट इसमें से डिडक्ट होता रहता है आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे आपने कोई बियर ली या आपने कोई फूड ऑर्डर किया, आपने जूस लिया, वो इसमें से धीरे धीरे डिडक्ट होता रहेगा और जब अमाउंट ख़त्म हो जाएगा कार्ड ख़राब। तो ये वो कार्ड है, इन लोगों को अंदर कर दिया जा रहा है। अंदर जाओ, पार्टी करो, यहाँ मत खड़े रहो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या बोला तूने? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ।